वेलकम टू द किचन स्टोरी बाय ममता। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की बर्फी, जिसमें हमने मेवा और मावा दोनों का यूज किया है और इसमें हम कोई भी चीनी और गुड़ को बिल्कुल ही नहीं डाले हैं और ये काफ़ी फिर भी मीठा बनके तैयार होता है। ये देखिए, हमने एक पीस का काटा और ये बहुत ही बढ़िया बना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने एक कटोरी धनिया लिया है और मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट भी लिए हैं, किशमिश भी हम थोड़ा सा लिए हैं और इसमें हम अंजीर और मुनक्का दोनों यूज किए हैं। इसमें सारे और कुछ मगज को भी इसमें हम डाले हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने एक कटोरी धनिया लिया था, इसमें हमने साबुत ही धनिया लिया है क्योंकि साबुत धनिया का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है बर्फी में। इसके बाद हमने मखाने को भी इसमें भून लिया और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, बादाम, अखरोट और काजू को डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा हमको नहीं भूनना, मात्र 5 मिनट में ही सारे को भूनना। ये पम्पकिन सीड्स डाले। इसके बाद थोड़ी सी हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी मूंगफली ऐड किए हैं। सबको धीरे एक एक करके बारी बारी से हम डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी तिल डालेंगे। इसके बाद तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि तिल बहुत जल्दी ही भुन जाता है। इसके बाद हम 5 मिनट में ही सारे को अच्छे निकाल लेंगे। ये हमने ड्राई ही निकाला है और इसमें हम कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मावा डालने से ये खुद ही काफ़ी घी हो जाता है। इसके बाद हमने 1 लीटर दूध को हाई फ्लेम में इसको मावा बना दिया है। ये काफ़ी होते होते सूखते सूखते पूरे मावा। इसके बाद हमने इसके खजूर को सारे बीज निकाल लिए और अंजीर को भी हम छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं और इसको हम ड्राई ही मिक्सी में पीस लेंगे। और हमने 4-5 इलायची भी, छोटी इलायची इसमें डाल दिया। सारे जब पीस जाए तो इसके बाद हम खजूर और अंजीर दोनों को डालेंगे और ये देखिए इस तरह अच्छे से मोटा हमारा दरदरा पिस गया है और ये हमारा जो दूध के मावे थे सूख गया है एकदम रबड़ी की तरह। अब इसमें हम 50 ग्राम नारियल पाउडर, इसके बाद थोड़े से हमने किशमिश मगज को ऐड कर दिया है इसमें और थोड़े से हमने पिस्ता भी डाल दिया है और जो हमने धनिया के पाउडर बनाया था और ड्राई फ्रूट्स का उसमें ऐड कर दिए। ये बर्फी बहुत ही बढ़िया बनता है। आप जन्माष्टमी के साथ साथ सर्दियों में भी इसको बना सकते हैं। सर्दियों में केवल आप धनिया स्किप कर दो और ये बर्फी काफ़ी फायदेमंद होता है। और ये इसमें मावा डालने से ये एकदम मिठाई की तरह बनता है। इसके बाद में एक बर्तन में हम हल्के से चिकनाई लगा करके इस तरह वह काफ़ी इसमें सोख लेता है मावा जो हमने रबड़ी की तरह किया बनाया था। और इसके बाद ये बहुत अच्छे से एक दूसरे सब मिक्स हो जाने के बाद हम इसको एक मोल्ड में अच्छे से जमा देंगे। ये पूरी हमने बराबर एकदम कर दिया है और इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें मगज ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी सी इसके बाद हम पिस्ता को भी इसमें कटिंग किया हुआ डाल देंगे जिससे ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है, एकदम बर्फी की तरह। आप सर्दियों में भी इसको आराम से बना करके खा सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार भी होता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऊपर से कर दिया जिससे ये देखने में और बढ़िया लगने लगता है। देखिए कितने बढ़िया ये हमारा बर्फी बन के
तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसको कम से कम एक डेढ़ घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो ये एकदम जम जाएगा। और इसके बाद हम इसको बर्फी साइज की तरह स्क्वायर चाहे तिकोने की तरह काट लेंगे। एक बार सीधे से और एक बार फिर दूसरी तरफ से इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसके देखिए कितने बढ़िया हमारा धनिया की बर्फी निकलता है। जन्माष्टमी के अवसर पर आप ये बर्फी एक बार जरूर बना के ट्राई करें, और ये काफ़ी हेल्दी और बढ़िया भी होता है। देखिए कितनी बढ़िया ये बर्फी हमारा बनके तैयार हो गया है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये डिश एक बार ज़रूर आप बना करके जन्माष्टमी के अवसर पर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।